विकास बैंक झालावाड़ के चुनाव आज शहर के सहकार भवन में संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पिंकी कंवर व अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। हालांकि इस दौरान भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सहकार भवन में धरने पर बैठकर झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ और डग विधायक कालूराम मेघवाल की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने धरना दिया और नारेबाजी कर रोष जाहिर किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन धाबाई सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब दो घंटे तक भाजपा नेताओं का धरना जारी रहा, जिसमें भाजपा नेताओं ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व कांग्रेस प्रत्याशी समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली व झालरापाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह मामले को संभाल लिया। आरोप लगाया जा रहा है, कहां तक सिद्ध है? ये प्रक्रिया तीन चरण में होती है। पहले डेलीगेट बनते हैं वार्ड वाइज, उसका इलेक्शन हो गया, उसमें इन्होंने भाग लिया, इनके कम आए, फिर डायरेक्टर का चुनाव हुआ दूसरे चरण में, इनके फार्म रिजेक्ट हो गए तकनीकी कमी से, डायरेक्टरों का चुनाव हुआ, इनके पैनल के दो आदमी चुने गए, हमारे आठ चुने गए। चेयरमैन का फार्म बनने के लिए तीन आदमी की जरूरत पड़ती है, तीन डायरेक्टर की, एक कैंडिडेट, एक सपोर्टर, एक उसका समर्थक, एक प्रस्ताव। इनके पास दो है, ये फार्म भर ही नहीं सकते, ना इनने फार्म भरा। फार्म भरने की प्रक्रिया होती है ऑफिस से फार्म लेना, सिक्योरिटी की रसीद बनाना, ना तो इनकी रसीद बनी है, बैंक रिकॉर्ड में आप चेक कर सकते हो, एक ही रसीद बनी है, एक आदमी ने फार्म भरा, एक वाइस चेयरमैन की बनती है, वो हमने बना ली, वो भर दी। आपका फार्म है ही नहीं, कम्प्लीट ही नहीं, तो उसको पद फार्म कैसे कह रहे हो? कोई भी रद्दी फाड़ सकता है। ये कैंडिडेट्स का आरोप है कि जो उसका फार्म था वो भी पर्चा फाड़ दे, फाड़ा तो किसने फाड़ा? उसके लिए पुलिस है, आप नाम से रिपोर्ट कराइए, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। फॉर्म की प्रक्रिया ब्रांच से शुरू होती है, रसीद बनी कि नहीं बनी, फॉर्म इश्यू हुआ कि नहीं, आप एक अखबार फाड़ के शो करते कि मेरा फॉर्म फाड़ दिया। तो निर्वाचन प्रक्रिया जो हुई वो पूरी पारदर्शी थी। निर्वाचन अधिकारी तो नियमानुसार काम करते हैं ना, उनके लिए तो कौन जान पहचान का है, कहाँ का अधिकारी आता है, किसको पहचानता है, उनको तो यही चुनाव कराने पड़ते हैं। पूरी सर्विस के दौरान वो सैकड़ों चुनाव कराते हैं, तो उनका रिश्तेदार तो होता नहीं है। बंद है, उसके बाद ही मेरा रिजेक्ट किया गया। फॉरो पूरे ही मानदंड में हूँ, औलाद मेरे। क्या नाम है आपका? जी श्याम मनोहर शर्मा। किस पद पे थे? डायरेक्टर के पद पे था मैं। फॉर्म भरा और कोई कमी नहीं थी मेरे फॉर्म में, फॉर्म भरा था। व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई मेरा फर्जी स्टेटमेंट है। आप तो रेगुलर हो ना? जी मैं तो रेगुलर हूँ, खाता बंद किया मैंने दूसरी बैंक का, उसका मेरा स्टेटमेंट लगा के दिया और मुझे कोई ऑफेंस नहीं बनता, उसका कोई नहीं बनता, जबकि मेरा खाता बंद होने के बाद मैंने यहाँ से लोन लिया। अभी तक भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे उसका।